हेलो एवरीवन। तो मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। हर कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज और स्ट्रेस से बहुत ज़्यादा परेशान है। आज हम बात करेंगे कि आखिर स्ट्रेस क्या है और ये इश्यूज क्यों इतने ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुके हैं आज की सोसाइटी में। तो मेंटल हेल्थ की बात करते हुए हम फर्स्ट बात करते हैं स्ट्रेस के बारे में। स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस हर एक वो चीज़ है जिससे कि हमारा मन असंतुलित होता है। जो स्ट्रेस होता है हमारे माइंड में, हमारे ब्रेन में और हमारी थिंकिंग प्रोसेस में। तो स्ट्रेस होने के कारण क्या हो सकते हैं? स्ट्रेस होने के दोनों कारण हो सकते हैं, आउटर यानी कि बाहर क्या चल रहा है और इनर यानी कि हमारी बॉडी में क्या चल रहा है। आउटर जो स्ट्रेस के कारण हो सकते हैं उसमें सबसे बेस्ट ये है कि एनवायरमेंटल चेंजेस आना, एक जगह से दूसरी जगह चले गए या फिर वेदर चेंज होना, इस टाइप के जो एक्सटर्नल फैक्टर होगा। और इंटरनल फैक्टर में होता है जैसे कि डर लगना, एंजाइटी होना, चिंता करना, फैमिली का प्रेशर होना, और जैसे कि आजकल देखा जा रहा है फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा चिंता करना, ये सारी चीज़ें मेंटल हेल्थ वाली चीज़ें। इन सब चीज़ों से हमारे जो शरीर है उसमें डिस्ट्रेस उत्पन्न होता है। ये जो स्ट्रेस होता है ये एक्सटर्नल हो या इंटरनल, जब ये इंड्यूस होता है तो उससे हमारी बॉडी पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है और हमारे जो इम्यूनिटी लेवल्स होते हैं वो डिक्रीज होते हैं। अब इम्यूनिटी कम होने की वजह से जो हमारा शरीर है वो बाहर के डिजीज से भी नहीं लड़ पाता है और फिर इंसान बीमार पड़ जाता है। अब स्ट्रेस से होने वाली अलग अलग बीमारियां हैं, जैसे कि अब हम बात करें तो मेंटल बीमारियां स्ट्रेस से अंदरूनी हो सकती, नींद ना आना, थकावट होना, चिंता करना बहुत ज़्यादा, और लोगों से दूरी बना लेना। और अगर अंदरूनी इंट्रेंसिक बीमारियाँ देखा जाए तो वो हो सकती है पेट खराब रहना, कब्ज हो जाना और हड्डियों का दर्द करना और डायरिया होना। लॉस ऑफ एपेटाइट बहुत ही मेजर प्रॉब्लम देखी जाती है और मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड बीमारियाँ, ओबेसिटी और डायबिटीज़ आप देखेंगे हमेशा स्ट्रेस से ही रिलेटेड होती हैं। तो और इससे मेंटल हेल्थ तो आजकल बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो ही रही है। ओबेसिटीज़ डायबिटीज़ भी बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है, ब्लड प्रेशर में चेंजेस होना। तो अब इसका बचने का तरीका क्या है? तो अगर हम बचने के तरीके पे देखा जाए तो उसमें फर्स्ट आता है कि जिन चीज़ों से आपको प्रॉब्लम हो रही है, चिंता हो रही है, टेंशन हो रही है, उनको रिजॉल्व करें और उनसे उनको हटा दें अपनी लाइफ से, और अपने मेंटल और फिजिकल एबिलिटीज़ को बढ़ाएं यानी कि एक्सरसाइज करें और योगा करें, जिससे आपका माइंड और आपकी बॉडी दोनों की स्ट्रेंथ जो है इंक्रीज हो। आप लोग एक साइकेट्रिस्ट का सहारा ले सकते हैं इसको कम करने में। अगर बहुत ज़्यादा काउंसलर, मतलब नॉट साइकेट्रिस्ट, काउंसलिंग, किसी से बात करना, अपने थॉट्स शेयर करना, और योगा, योगा इज़ अ मेजर एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इट प्लेज अ वेरी गुड रोल। आपको ये सारे सिम्टम्स दिख रहे हैं और लग रहा है कि हाँ मेरे स्ट्रेस लेवल और मेरी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा खराब है, तो आप एक साइकेट्रिस्ट, एक काउंसलर से बात कर सकते हैं और आपको इस चीज़ में सच में मेडिसिन लेवल पे भी बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इसे स्ट्रेस एक डिजीज़ की तरह अगर कंसिडर करेंगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप इसमें हेल्प ले सकते हैं। आई होप जो मैंने आपको बताया वो आपको हेल्प करेगा अपने स्ट्रेस से डील करने में। इसका बेस्ट तो यही है, अगर अपने लेवल पे करना चाहते हो तो अपने मेंटल और फिजिकल एबिलिटीज़ को बढ़ाओ, डाइट ठीक करो, इमोशनल पावर ठीक करो अपनी, और बात करो अपने जो आपके आसपास हैं उन लोगों से, बिकॉज पीपल विल अंडरस्टैंड। तो स्ट्रेस से दूर रहो, और अगर आपको रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप एक बार कॉमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, कोई और टॉपिक पे जिसका आप वीडियो देखना चाहते हो पूछ सकते हो। मेंटल हेल्थ एक बहुत ही मेजर इशू हो चुका है आज की जनरेशन के लिए, तो आई होप ये चीज़ आपको हेल्प करता है। Stay healthy. Bye.